हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर के ब्यूटी कॉर्नर। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी कुछ शॉपिंग मैंने की है, बहुत ही स्टाइलिश और ट्रेंडिंग से कुर्तों की और प्लाजोज की सेट। प्लाजोज आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आप हर तरह की कुर्ती के साथ प्लाजोज वेयर कर सकते हैं। तो मैं जो कुर्तियाँ लेके आई हूँ मैं आपके साथ वो आपको दिखाऊंगी। मैं सबसे पहली जो कुर्ती है ना वो है ये पीच कलर की कुर्ती, इस टाइप का इसका डिज़ाइनिंग है। ये देखिए लेंथ इसकी बहुत ही अच्छी है, फ्रंट इसका इस टाइप का है, ये नेक है इसका, साइड में इसके इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बहुत ही नीट सी एम्ब्रॉयडरी है। ऐसा नहीं है कि रेडीमेड कुर्ती है तो कहीं से धागा निकला हुआ है या कटी फटी हुई है, बिल्कुल बहुत ही नीट सी इसकी एम्ब्रॉयडरी है। और इस टाइप की इसकी स्लीव्स हैं, ये स्लीव्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ये भी फ्रंट पे इसके बड़ा सा एक स्लिट है इस तरह से और नीचे एक कट है। लेंथ इसकी बहुत अच्छी है, 48-49 इसकी लेंथ है। अगर आप खुद को थोड़ा टॉल दिखाना चाहते हैं तो थोड़ी सी लंबी कुर्ती वेयर किया कीजिए। नीज से जो आपकी कुर्ती है वो 5-6 इंच लंबी होनी चाहिए तो आपको वो बहुत ज़्यादा टॉल भी दिखाती है और बहुत ज़्यादा स्लिम भी आपको दिखाती है। अगर आपकी है ना कि थोड़ा सा हम हिप से थोड़ा हमें यहाँ से थोड़ा बल्की सा नज़र आता है, टमी से हम थोड़ा सा खुद को फैटी नज़र आता है तो हम सोचते हैं कि ये पता नहीं ये कुर्ती हम पर कैसी लगेंगी, अच्छी लगेंगी कि नहीं लगेंगी। तो आप ना थोड़ी सी लंबी कुर्तियाँ लिया कीजिए, थोड़ा सा लंबा होगा तो उसमें आप टॉल नज़र आएंगी। और जो इसके साथ मैंने लिया है इस तरह से ये मैचिंग प्लाजो, जब भी आप प्लाजो लें ना प्लाजो आप हमेशा कुर्ते के कलर कपड़े का ही लें। जैसे अगर आपका कुर्ता कॉटन का है तो आप कोशिश करें कि प्लाजो भी कॉटन का ही हो, क्योंकि दोनों कपड़ों में अगर अंतर होगा ना, फ़र्क होगा तो वो पहनने पे अच्छे नहीं लगेंगे। कॉटन का कुर्ता है तो कॉटन का ही प्लाजो लें। और जो अगला जो कुर्ता है वो है इस टाइप से इसका नेक है, बॉडी तक इसके जो है इस तरह से पट्टी लगी हुई है, बटन लगे हुए हैं और फिर उसके नीचे ये फ्रॉक स्टाइल कुर्ता है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर प्लेट्स बने हुए हैं, बीच बीच में प्लेट्स, और इसमें दी हुई है एक डोरी इस तरह से। आप अपने अकॉर्डिंग इसे टाइट या ढीला कर सकते हैं जो भी आपका साइज़ हो। ये फ्री साइज़ है, किसी भी साइज़ वालों को 42 साइज़ है, ये सबको आ जाएगा, एक्सल साइज़ है। देखिए कितनी बड़ा है, बैक पे भी इसके प्लेट्स दिए हुए हैं इस तरह से। इसे फ्रॉक टाइप कुर्ती बोल सकते हैं, उनकी फ्रॉक के टाइप की कुर्ती है। इसकी क्वार्टर स्लीव्स हैं बट सिंपल हैं, बहुत ही सिंपल और सोबर सा ये कुर्ता है। आप इसे डेली वेयर में भी पहन सकते हैं। लेंथ इसकी भी अगेन बहुत ज़्यादा है, 45-46 इसकी लेंथ है। इसे भी आप डेली वेयर में भी पहन सकते हैं, कहीं बाहर जाना हो तो भी पहन सकते हैं। और जो नेक्स्ट कुर्ता है वो है, ये भी मेरा फेवरेट कलर है, ये स्काई ब्लू टाइप। आजकल दोस्तों ना इस टाइप के कुर्तों का बहुत ट्रेंड है कि बॉडी ऊपर से इस तरह से और उसके बाद नीचे से जो बाकी का है वो नीचे से कट आउट करके, यहाँ से कट आउट करके नीचे का ये इस तरह सा इसका डिज़ाइन है, पल्ले का बहुत ही अच्छा वर्क है। ये बिल्कुल ही ये प्योर कॉटन का है, ये थोड़ा बहुत श्रिंक हो जाता है कॉटन, तो आप जब भी कॉटन का कोई भी लें तो इतना ध्यान रखें कि थोड़ा सा ना बड़ा ही साइज़ लें, क्योंकि धोने के बाद अगर बाई चांस श्रिंक हो जाए ना तो वो आपको प्रॉपर फिर आएगा। एक बार आप पहले वॉश कर लें उसे घर ला के और फिर उसके बाद उसको आप अपने अकॉर्डिंग फिट करें, पहले आप वॉश कर लें, थोड़ा सा साइज़ आप ओवर लें अपना। इस तरह की इसकी, इसमें भी मैंने लाइनिंग जो है लाइनिंग वाला डिज़ाइन लिया है दोस्तों, ये इस तरह से, ये आपको टॉल दिखाता है लाइनिंग वाला डिज़ाइन और आपको थोड़ा सा स्लिम भी दिखाता है। अगर थोड़ा ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा टॉल नज़र आएंगे तो थोड़ा स्लिम भी नज़र आएंगे।
अगर शॉर्ट, इसकी भी लेंथ बहुत अच्छी है, 48-49 के करीब इसकी लेंथ है। लेंथ प्रॉपर होगी तो उसमें आप अच्छे नज़र आएंगे ही आएंगे। अगर लेंथ आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट ले लोगे तो उसमें आप थोड़े फैटी नज़र आओगे। ये देखो अगेन, इसके साथ मैंने इसी के साथ का मैचिंग प्लाजो लिया है, बिल्कुल सेम डिज़ाइन में प्लाजो है। ये मेरा प्लाजो और कुर्तों के साथ भी चल सकता है, जैसे मैंने ये फ्रॉक वाला कुर्ता लिया तो इसके साथ में भी ये सेम चल जाएगा, तो इसलिए मैंने इसके साथ नहीं लिया प्लाजो। मैं इसी प्लाजो के साथ दोनों कुर्तों को वेयर करूँगी। और जो नेक्स्ट अगला कुर्ता है, चौथा, ये मेरा बहुत ही फेवरेट कुर्ता है। इस स्टाइल के कुर्ते मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे पहले अनारकली स्टाइल के कुर्ते चले थे ना, तो बहुत ही ज़्यादा सब अनारकली हुआ पड़ा था सब जगह, तो कलियों वाला। आज भी शादी पार्टियों में जो है अनारकली जो है कुर्ते बहुत ज़्यादा वेयर किए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं उन्हें पहनना। सिंपल कुर्तों की बजाय अनारकली ड्रेसेस, अनारकली कुर्ते बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं। तो ये अगेन ये इस तरह से फ्रॉक वाली कुर्ती है, ये भी देखिए नेक इसका इस टाइप से है, पाइपिंग इस पे बहुत ही बारीकी से काम किया है, बहुत बारीक तरह से इसके ऊपर पाइपिंग लगी हुई है, बहुत सफाई से पाइपिंग लगी है इसकी। और स्लीव्स इसकी इस तरह है, स्लीव्स के ऊपर भी पाइपिंग है। और इसकी जो बॉडी है ना, यहाँ पर इस पे भी प्लेट्स दिए गए हैं, और इसके ना फ्रंट में, यहाँ फ्रंट में ये इधर, और दो प्लेट्स पीछे की तरफ हैं, दो प्लेट्स आगे की तरफ, दो प्लेट्स पीछे की तरफ, जिससे ना इसकी फिटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है, बहुत ज़्यादा नीट इसकी फिनिश आ रही है। और पहनने पे ऐसे लग रहा है कि जैसे ना बिल्कुल आपके ऐसे बॉडी के साथ ये स्टिच किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इसकी अच्छी फिटिंग है। और जो जिन लोगों को ना थोड़ा टमी के साइड में जो ऐसे लग रहा है ना कि बल्कि सा हो जाता है, तो इस टाइप की कुर्ती जो पहनने पर ना आपको यहाँ पर थोड़ा फ्री सा ऐसे लगेगा, ऐसे बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये यहाँ बॉडी के बाद नीचे यहाँ प्लेट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से ये थोड़ा कपड़ा आपका लूज़ हो जाएगा और आपको बहुत ही मतलब कंफर्टेबल लगेगा ये गर्मियों में। बहुत ही अच्छी इसकी भी लेंथ है, अगेन इसकी लेंथ ये देखिए, इसकी लेंथ 50 के करीब है, 50 तक है इसकी लेंथ, 50 इंच तक। और जो इसका कपड़ा है ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। जैसे कॉटन में कुछ थोड़ा सा ना मिक्स किया हुआ है कपड़ा, इसका कॉटन मिक्स सा कपड़ा है, बट है कॉटन ही, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग सा ये कपड़ा होता है, स्ट्रेच सा करता है, तो आपको जिस टाइप पे भी आप देखें, तो जैसा भी आपका साइज होगा ना, तो आपको वो फिट आ जाएगा बड़े आराम से। इसके भी नीचे अगेन इस तरह से कट है, फ्रंट में पूरे ऐसे बटन दिए हुए हैं। तो दोस्तों, इतनी ही थी मेरी ये आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इन गर्मियों में आप भी स्टाइलिश दिखें, ट्रेंडी दिखें, तो आप इस तरह की कुर्तियां जो हैं वेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।